मेरी देवरानी रोज रात को मेरे ससुर के कमरे में तेल लेकर जाती और गेट बंद कर लेती। उसके बाद कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती। एक दिन मैंने इस राज को जानने के लिए ससुर जी के कमरे में खिड़की से झांकी, तो मेरी देवरानी और मेरे ससुर जी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि वहाँ तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाऊंगी। मेरा नाम परी है। मैं अपने माँ के साथ कोलकाता में रहती हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है, मुझसे छोटा, और मैं पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई हैं। मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, उससे पैसा आता है जिससे कि मेरे अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठाती हूँ, घर का खर्च भी उठाती हूँ और अपने छोटे भाई का भी खर्च उठाती हूँ। मेरे सारे रिश्तेदारों कहते हैं मेरी माँ से कि परी अब बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूँढो, उसकी शादी क्यों नहीं करती। मेरी उम्र लगभग 24 साल की हो गई है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, वहाँ पर लड़कियों की शादी 18 से 19 साल तक कर दी जाती है। तो जैसे ही मैं 24 साल की हो गई, मेरे रिश्तेदारों को मेरी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। मेरे माँ से बोलने लगे कि इसकी शादी कब करोगी, इसके लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढती हो, मेरी माँ अकेली है, किस तरीके से मेरी शादी करेंगे, थोड़ी सी मदद कर दें। पर ऐसा नहीं है, सबको यह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो सिर्फ मेरी माँ को ताने देने के लिए आते हैं। सबको पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते लाते जिनको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बिना पैसों के रिश्ता हो जाता। लेकिन मेरी माँ को कभी लड़का पसंद नहीं आता तो कहीं लड़के का घर पसंद नहीं आता। एक बार ऐसा रिश्ता लेकर आए जिसका घर भी अच्छा था और लड़का भी बहुत अच्छा था और उनकी कोई भी मांग नहीं थी, इसलिए मेरी माँ ने भी मेरी शादी उसी के लिए शादी के लिए फटाफट से राजी हो गए। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल में आ गई। आप लोगों से क्या कहूँ, एक अजीब सा ही घर था, अजीब से ही लोग थे, या फिर ऐसा कहूँ कि मेरा ससुराल ही कुछ अजीब सा था। जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। ससुराल में, ससुराल के परिवार में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी एक देवरानी थी और मेरे देवर विदेश में काम करते थे, इसलिए देवरानी घर पर अकेली रहती थी। और सबसे बड़ी अजीब की बात कि बड़े भाई की शादी बाद में हुई और छोटे भाई की शादी पहले ही कर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब चल क्या रहा है। एक दिन मुझे रात को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए मैं किचन में गई। वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी देवरानी ससुर जी के कमरे में हाथ में तेल की कटोरी लिए जा रही थी। जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया कि शायद मेरी देवरानी अब कमरे से निकलकर बाहर आए, मगर 2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मेरे सासू माँ भी नहीं हैं, वह लगभग मैं फिर से जाकर 2 घंटे बाद फिर से जाकर कमरे में देखा कि मेरी देवरानी अभी तक अपने कमरे में नहीं आई थी। और अब जब ससुर जी के कमरे की लाइट भी बंद हो गई थी, शायद मेरी देवरानी ससुर जी के कमरे में ही सो गई थी। मेरी सास का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था।
उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा ध्यान तो ससुर जी के कमरे में ही अटका था। मैंने कहा, यह सब कुछ हमारे घर में क्या चल रहा है? मेरी देवरानी का नाम सिया था। दूसरे दिन मैंने सुबह देवरानी किचन में काम कर रही थी तो मैंने उससे पूछा, सिया रात को तुम बाबूजी के कमरे में गई थी, फिर वहाँ से वापस क्यों नहीं आई और तुम उनके कमरे में क्यों गई थी? वह मेरे इन सवालों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और घबरा गई। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्होंने बोला कि बाबूजी के पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए पैरों में तेल लगाने के लिए गई थी। लेकिन फिर मैंने उसे सख्ती से पूछा कि तेल लगाने के बाद तुम अपने कमरे में वापस क्यों नहीं आई? तेल लगाते समय फिर तुमने ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? मेरे इतने सारे सवालों से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है दीदी, तेल लगाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी और मैंने उससे कहा कि तुम्हारे कमरे में मैंने जाकर देखा था पर तुम वहाँ पर नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं बाथरूम गई थी, इसलिए शायद तुमको वहाँ नहीं दिखी होगी। वह वहाँ से चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह झूठ क्यों बोल रही है। दूसरे दिन रात को फिर से वही हुआ। सिया फिर से कटोरी में तेल लेकर ससुर जी के कमरे में जा रही थी और जाने के बाद उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही लाइट भी बंद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तेल लगाते समय भी लाइट ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। एक बात यह भी थी कि मेरे देवरानी बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती थी, मतलब मैं जैसे साड़ी पहनती थी वह हमेशा एकदम ढीले ढाले गाउन पहनती थी और कुछ अजीब और गरीब से ही कपड़े पहन लेती थी। एक दिन जब सिया कपड़े बदल रही थी तो मैंने उसको देख लिया। वह तो प्रेग्नेंट थी, लगभग छठा या फिर सातवां महीना चल रहा होगा। मैंने उससे पूछा, तुम प्रेग्नेंट हो? तो उसने बोला कि हाँ। तो मैंने उससे कहा, ये घर में किसी को पता है या नहीं? तो उसने बोला, अभी किसी को पता नहीं है, कहते हैं कि जब तक बच्चा न आ जाए तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो नज़र लग जाती है। मैंने कहा, हम घर वाले हैं, घर वालों की नज़र नहीं लगती, बाहर वालों की नज़र लगती है बच्चे को, लेकिन घर के बच्चों की कभी नज़र लगती, घर वालों की नज़र लगती है क्या? उसने मेरी एक न मानी और कपड़े पहनकर वहाँ से चली गई। उसके बाद हम लोग जैसे ही खाना खा रहे थे तो मैंने बाबूजी से बोला, बाबूजी आपको पता है हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। बाबूजी ने बोला, कौन सी खुशखबरी? मैंने उन्हें बताया कि सिया प्रेग्नेंट है। मैंने जैसे ही यह बात बताई सिया के चेहरे का रंग उड़ गया और साथ ही बाबूजी के चेहरे का भी रंग उड़ गया। बाबूजी ने कहा, सिया तुम प्रेग्नेंट हो? हमको तो पता ही नहीं, तुमने हमको बताया। तो फिर सिया ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और बाबूजी ने भी कहा कि यह बहुत ज़्यादा खा लेती है, इस वजह से यह मोटी हो गई है और तुम्हें लग रहा है कि यह प्रेग्नेंट है। अगर यह प्रेग्नेंट होती तो हम सबको पता नहीं होता। यह बात सुनकर मैं फिर से चौंक गई। किसी को अपनी प्रेगनेंसी की बात, सिया अपनी प्रेगनेंसी की बात क्यों छुपा रही है? खाना खाने के बाद सिया कटोरी में तेल लेकर बाबूजी के कमरे में जा रही थी तो मैंने उसे आज फिर से रोका और कहा, आज मैं तुम्हें बाबूजी के कमरे में नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें बाबूजी के कमरे में जाना है तो अपनी सारी सच्चाई बतानी होगी। तुम बाबूजी के कमरे में जाकर
लाइट ऑफ क्यों कर देती हो? लाइट ऑन करके भी तो मसाज हो सकती है ना। फिर सिया रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम मुझसे कुछ ना पूछो, अगर कुछ जानना चाहती हो तो आज रात मेरी जगह तुम तेल लेकर चली जाओ, फिर तुम्हें सारी बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आज तो मैं देखूंगी, मैं जाकर देखूंगी कि बंद कमरे में आखिर ऐसा क्या होता है। जैसे मैं कमरे में गई, कमरे की लाइट पहले से ही ऑफ थी। मेरे जाते ही मेरे ससुर जी ने कहा, आओ जान, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? ससुर जी के मुँह से यह शब्द सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी बहू को अपनी जान कैसे कह सकते हैं? मैंने इसी समय कमरे की लाइट ऑन कर दी और सबको वहाँ पर बुलाया और मैंने मेरे पति से बोला, यह सब चल क्या रहा है? आखिर मैं बहुत देर से परेशान हूँ, इस घर में सब कुछ अजीब से अजीब चल रहा है। मेरे ससुर जी अपने बहू को जान कहकर बुला रहे हैं और मैंने सुना है कि देवर जी 1 साल से घर नहीं आए हैं, तो फिर श्रिया प्रेग्नेंट कैसे हो गई? फिर मेरे पति ने मुझे सारी बातें बताई कि कहा कि मेरे माँ के मरने के बाद पापा ने सिया से शादी कर ली थी। मैंने तुम्हें यह सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर तुम्हें पहले ही शादी के पहले ही ये पता चल जाता तो शायद तुम शादी ही नहीं करती, क्योंकि ऐसे ससुराल में कौन शादी करना चाहता जिसके ससुर नई नई लड़कियों से शादी कर रहे हों। उस घर में कोई लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। शादी के बाद इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक ना एक दिन तो तुम्हें सारी सच्चाई अपने आप ही पता चल जाती। उसके बाद मैंने उनसे कहा, तो यह बच्चा ससुर जी का है? मेरे पति ने कहा हाँ, और शिया ने कहा कि मैं रोज़ तेल लेकर इसीलिए बाबूजी के कमरे में जाती और वहीं पर सो जाती, क्योंकि यह मेरे पति हैं। यह सब मुझे बताने के लिए मना किया गया था और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति मुझे अपने पैरों में तेल लगाने के लिए कहते थे, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी इसलिए तुम्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस चली जाऊँ। मेरे पति की तरफ देखा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया और जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मजबूर नहीं करूंगा अपने साथ रहने के लिए। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं यहीं रहूंगी, पर मैंने भी सब कुछ स्वीकार कर लिया और अच्छे से अपनी ससुराल में रहने लगी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।